नमस्कार जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गगनदीप चौहान। नॉर्दर्न एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें पंजाब से। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का बड़ा बयान, बोले 2017 चुनाव के लिए प्रकाश सिंह बादल ही होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, बीजेपी अकाली मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सरबत खालसा पर भी बोले सुखबीर बादल। सुखबीर बादल ने कहा कि सरबत खालसा कांग्रेस की प्रायोजित रैली थी, एसजीपीसी में सरकार का कोई दखल नहीं, ये भी सुखबीर बादल ने कहा। पंजाब के मौजूदा हालातों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ पंजाब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। पंजाब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कल देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेगा। पंजाब कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। पंजाब कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा, विधायक दल के नेता सुनील जाखड़, अमृतसर से सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता सुनील जाखड़ ने प्रदेश की अकाली सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को किसान विरोधी बताया है। जाखड़ ने कहा कि किसानों को दिए मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ मजाक हुआ है, किसानों के मिले चेक बाउंस हो रहे हैं। जाखड़ ने अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि कपास को सफेद मक्खी ने नहीं बल्कि नीली मक्खी ने मारा है। जाखड़ ने कहा कि अगर सरकार किसान हितैषी है तो बाउंस हुए चेक पर अपना रुख साफ करे। सुनील जाखड़ के बयान पर अकाली सांसद चंदू माजरा ने पलटवार किया है। माजरा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है। अमृतसर से बीजेपी विधायक और सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू ने उनके आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलों को विराम देते हुए कहा कि अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि बीजेपी में उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसे निभा रही हैं। वो बीजेपी से विधायक हैं, हालांकि नवजोत कौर सिद्धू ने साफ कर दिया कि अगर साल 2017 का चुनाव बीजेपी अकाली गठबंधन ने लड़ा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। मिशन 2017 को लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी संजीदा हो गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी पंजाब ने प्रदेश के लिए महिला इकाई का भी ऐलान कर दिया है। बलजिंदर कौर को महिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि दुर्गेश पाठक को आयोजन समिति का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही गुरप्रीत बराड़ गिल को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टीम ने लुधियाना के 11 स्थानों से पानी के सैंपल भरे हैं और उन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया है। इस टीम में पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीमें मौजूद रही। पानी के सैंपल लेने के बाद जांच के लिए उन्हें लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दिया गया। बठिंडा में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर खबर दिखाए जाने के बाद बठिंडा में प्रशासन हरकत में आया और उसने लावारिस पशुओं को रखने के लिए 8 एकड़ में गौशाला बनाने का काम शुरू कर दिया है। दिसंबर महीने तक गौशाला बनकर तैयार हो जाएगी और शहर के लावारिस पशुओं को पकड़कर वहां रखा जाएगा। स्थानीय लोगों ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी परेशानी को प्रमुखता से उठाया। फ्रांस में हुए हमले की मलेरकोटला में भी निंदा की गई। मलेरकोटला की अलग अलग मुस्लिम संस्थानों ने भी आईएसआईएस के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन किया। सेमिनार में आए जामिया मिलिया के वाइस चांसलर तलत अहमद ने भी इस घटना की निंदा की। तरनतारन के रहने वाले एक युवक को दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। जब युवक दूसरी शादी कर रहा था तो उसकी शादी में ही पहली पत्नी पहुंच गई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी दूल्हे को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। होशियारपुर के मुकेरिया में शराब के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। कर्मचारी को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्मचारी की हालत नाजुक होने पर ठेके के मुलाजिम को डीएमसी रेफर कर दिया गया। वहीं मुकेरिया पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पंजाब की बड़ी खबरों के बाद चलिए रुख करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों का।
हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से शुरू होगा। आज हुई हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की तारीख पर मोहर लगी। सीएम खट्टर की अगुवाई में हुई इस बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीख तय करने के अलावा ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में किलोमीटर स्कीम को भी मंजूरी दी गई। साथ ही यमुनानगर के शहीद रॉकी के छोटे भाई को सरकारी नौकरी देने का भी फैसला लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और जेबीटी भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल याचिका पर नोटिस जारी किया है। कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने चौटाला की पैरोल याचिका ठुकरा दी थी। याचिका ठुकराने के बाद चौटाला दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि ओम प्रकाश चौटाला को पैरोल क्यों नहीं दी गई। मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। अंबाला कैंट से बीजेपी विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से विपक्ष की तुलना असुरों से की है। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पर भी तीखे तेवर में पलटवार किया। सुरजेवाला पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि सुरजेवाला को लकवा मार गया है, कहते कुछ और हैं और उनके मुंह से निकलता कुछ और है। गौरतलब है कि कल विज ने ट्वीट कर विपक्ष की तुलना असुरों से की थी, जिस पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि विज सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। पंचकुला के गांव सकेतड़ी में हरियाणा की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कविता जैन ने गौशाला का उद्घाटन किया। गौशाला में 180 गायों को रखने की क्षमता है। कविता जैन ने गौशाला को ट्रस्ट को 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही सांसद रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी एवं महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने सांसद रतनलाल कटारिया की ओर से 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। रोहतक के गुरुद्वारा टिकाना साहिब में गद्दी को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। महंत परमजीत सिंह के निधन के बाद गद्दी पर हक को लेकर परमजीत सिंह की पत्नी बलजीत कौर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। बलजीत कौर के समर्थन में बीजेपी नेता कांता अलाड़िया खड़ी हो गई हैं। अलाड़िया ने अपनी सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर बलजीत कौर को इंसाफ नहीं मिला तो वो जल्द ही सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगी। हिसार में बिजली निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर अपनी तनख्वाह को लेकर आज तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। निगम ने इन ऑपरेटर की तनख्वाह बिना नोटिस के ही आधी कर दी। निगम की इस कार्रवाई से दुखी कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर अब आंदोलन की राह पर हैं। कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मुख्य गेट के पास धरना दिया और नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय के बाहर जाकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। फतेहाबाद में आज दाल के सरकारी काउंटर का शुभारंभ किया गया। शहर के ऑटो मार्केट में इस काउंटर को शुरू किया गया है। हालांकि यह काउंटर शहर से काफी दूर है। काउंटर का भविष्य दाल के दामों पर निर्भर करेगा। गौरतलब है कि दाल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए सरकार ने सस्ती दाल मुहैया कराने के लिए हर जिले में सरकारी काउंटर खोलने के आदेश दिए हैं। जींद में हुए एचटेट पेपर लीक मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार हुए आरोपियों से बड़ा खुलासा हुआ है। इन आरोपियों ने व्हाट्सएप के जरिए उत्तर पुस्तिका मंगाई थी और आगे छात्र छात्राओं में पेपर शुरू होने से पहले ही बांट दी थी। उत्तर पुस्तिका हासिल करने वाले छात्र छात्राएं पहले ही पुस्तिका को पढ़कर सेंटर में पहुंचे थे। फरीदाबाद के सुनपेड़ मामले में सीबीआई ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जिला कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी वकील इकट्ठे रहे। सीबीआई ने कोर्ट से आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन के रिमांड पर ही आरोपियों को भेज दिया। कल आरोपियों को पंचकूला की सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में एक दलित परिवार के 2 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। आरोप है कि गांव के एक परिवार ने इस वारदात को अंजाम दिया था। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता रणबीर महिंद्रा यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक क्रिकेट पिच का उद्घाटन किया। इस मौके पर महिंद्रा ने आईपीएल पर जमकर भड़ास निकाली। महिंद्रा ने कहा कि आईपीएल होने से खेल पर एक धब्बा लगा है। देश में तेज गेंदबाजों की कमी पर महिंद्रा बोले कि भारत में क्रिकेटर बैटिंग और स्पिन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और चलिए रुख करते हैं चंडीगढ़ की कुछ खबरों का। चंडीगढ़ कांग्रेस ने आज कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लागू किए गए फूड एक्ट का विरोध किया और इसे गरीबों के साथ घिनौना मजाक बताया। इस मौके पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद पवन बंसल ने कहा कि गरीब आदमी इस एक्ट से खुश नहीं है और कांग्रेस इसे खत्म करने की मांग कर रही है।
पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने रेल किराए में इजाफे का विरोध किया है। बंसल ने कहा कि अभी क्रूड ऑयल की कीमतें कम हैं, फिर भी महंगाई को बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इंस्पेक्टरी राज चलाने का आरोप भी लगाया। रैक्सिल मामले में सीबीआई ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में कहा कि मामले में जांच चल रही है। हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने आज पैरा ओलंपियन अमित सरोहा से मुलाकात की और सरोहा का मेडल जीतने पर बधाई दी। इस मौके पर विज ने कहा कि हरियाणा में जो कथित ओलंपिक खेल संघ बने हैं उन्हें अपनी लड़ाई छोड़ ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की अगुवाई में फिर से चुनाव करना चाहिए ताकि खिलाड़ियों की परेशानी कम हो सके। चंडीगढ़ में एक बुजुर्ग ने एक लड़की पर हाथ उठा दिया। दरअसल पूरा विवाद कार पार्किंग को लेकर हुआ था, लेकिन झगड़े की तस्वीर वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के बाद चलिए रुख करते हैं हिमाचल की बड़ी खबरों का। हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। हिमाचल बीजेपी प्रभारी श्रीकांत शर्मा की अध्यक्षता में शिमला में अहम बैठक का आयोजन, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश। शिमला में आम आदमी पार्टी का ऐलान, ब्लॉक स्तर पर जाकर अपनी पहुंच को बढ़ाएगी पार्टी। लोगों की मांगों को प्रदर्शनों और ज्ञापनों के जरिए पहुंचाया जाएगा प्रदेश सरकार तक। पंचायत चुनाव में साफ छवि वाले उम्मीदवारों का करेगी समर्थन। तीस नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार की मंशा सत्र को चलाने की है, लेकिन विपक्ष सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में अपनी भूमिका निभाए। सीएम वीरभद्र ने की कुल्लू के कोटला गांव के लिए 2 करोड़ की मदद की घोषणा। मंदिर को दोबारा पुराने स्वरूप में बनाने के लिए 50 लाख देने का ऐलान। ओडिधार से कोटला की सड़क को चौड़ा और पक्का करने के भी दिए आदेश। सीएम ने जिला प्रशासन को अस्थायी रूप से बनाए टेंटों की जगह टीन की चादर लगाने के भी दिया निर्देश। चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से शिमला में चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत शिमला के रिज मैदान पर हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। इसमें बाल संरक्षण और बाल अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ऊना में 1990 में जमीन अधिग्रहण का मामला, बीजापुर के मदनलाल सहित 10 भूमि मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर। ऊना कोर्ट ने रेलवे की तरफ से जमा कराई मुआवजे की राशि को उनके खाते में ट्रांसफर करने के दिए आदेश। नालागढ़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में सामने आया बच्चों से काम करवाने का मामला, प्रिंसिपल के पास नहीं है कोई जानकारी, सीएम ने कार्रवाई का दिया भरोसा। सुंदरनगर में बस में सफर कर रहे एसएचओ के पास से मिला 4.5 लाख रुपए का कैश। संतोषजनक जवाब ना दे पाने पर सीआईडी ने की एसएचओ से पूछताछ। पूछताछ के बाद फिलहाल सीआईडी ने एसएचओ को छोड़ा, लेकिन पैसे को लिया कब्जे में। शिमला में प्याज और टमाटर के बाद अब अन्य सब्जियों ने भी तरेरी आंखें। सातवें आसमान पर पहुंचे सब्जियों के शिमला में दाम। शिमला सब्जी मंडी में सब्जियों की भरमार, लेकिन महंगी होने की वजह से खरीदार बेहद कम। गुरुपर्व को लेकर शिमला में भी सिख समुदाय के लोगों में खासा उत्साह। इस खास दिन के लिए अलग अलग सिख सभाएं और संगठन करेंगे कई तरह के धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन। 25 नवंबर को मनाया जाएगा गुरुपर्व। चलिए अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों का। कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 2000 करोड़ के बजट प्रस्ताव को किया मंजूर। जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों के विस्थापितों को भी कश्मीरी विस्थापितों की तरह सालाना 13.45 करोड़ की वित्तीय सहायता मिलेगी। कश्मीरी विस्थापितों के लिए 3000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां, 6000 आवास भी कराए जाएंगे मुहैया। 62000 कश्मीरी विस्थापितों के नाम सरकार के पास हैं दर्ज।
जम्मू कश्मीर सरकार ने एम्स के लिए जगह की तय। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपुरा में बनेगा एम्स। 200 हेक्टेयर जमीन की हुई निशानदेही। जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में। 5 महीने पहले एक छात्र को फिजिक्स में कर दिया फेल। 18 साल के छात्र अदनान ने तब की आत्महत्या। अब जांच में शिक्षा विभाग की गलती आई सामने। मार्क्स कार्ड था गलत। क्लास में टॉपर था अदनान। परिजन इंसाफ की कर रहे हैं मां। हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन लड़कों ने इसके लिए रिवैल्यूएशन के लिए भरा था, 1 महीने के अंदर अंदर उनका रिजल्ट आना था, 4.5 महीने लगे। और मैं चाहता हूँ कि जिसने भी ये हीनियस क्राइम किया है, जिसने भी ये प्रिजन क्राइम किया है, उसको आप अंडर IPC इंडियन पेनल कोड के तहत 303 या 306 के अंडर उसको बुक कीजिए। अदनान के साथियों ने भी उसकी मौत पर जताया दुख। सदमे में है दोस्त, कहा ऐसे मामलों से पढ़ाई से दूर भागते हैं स्टूडेंट्स। वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बहुत अच्छा पढ़ता था, हर चीज में, हर फील्ड में वो टॉप था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी भी फील्ड में कम था। ऑल द सिस्टम शुड बी इवैल्यूएटेड, द होल एंटायर इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी रीइवैल्यूएटेड। There should be some accountability that this is not anything and the present day times it is not acceptable. पुंछ ब्रिगेड ने पुंछ में टैलेंट हंट का किया आयोजन। 500 से ज्यादा स्कूली छात्र हुए शामिल। पेंटिंग मुकाबलों के जरिए देश प्रेम, शांति, एकता का दिया संदेश। यहाँ पे पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है आर्मी वालों ने, तो यहाँ पे बहुत मजा आया। और इसके 3 टॉपिक्स थे, उन सबको 3-3 चीजों में डिवाइडेड किया गया था। कुपवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल संतोष महादी को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। सैन्य अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। और राज्यों की खबरों के बाद चलिए रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। मुंबई आतंकी हमले में डेविड हेडली बनाया गया आरोपी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केस में शामिल होने का आदेश। आतंकवादियों के खिलाफ पीएम मोदी का बड़ा कदम। 15,000 पुलिस स्टेशन को जोड़ेगा क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम। कैबिनेट ने मंजूर किए 2,000 करोड़। केजरीवाल कैबिनेट ने मंजूर किया जन लोकपाल। अब बिल को दिल्ली विधानसभा में पेश करने की तैयारी। नीतीश की शपथ के गवाह नहीं बनेंगे पीएम। 20 नवंबर को विदेश दौरे पर होंगे रवाना। वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी होंगे शामिल। आरएसएस दफ्तर जाकर पीएम ने दिया अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि। निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार। आडवाणी समेत बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे। अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा। बीजेपी एमएलए विजेंद्र गुप्ता ने की थी मांग। आम आदमी पार्टी विधायकों ने किया विरोध। तमिलनाडु में बारिश से लोग बेहाल। चेन्नई में सड़क पर चल रही है नाव। अब तक 79 लोगों की मौत, हजारों बेघर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना। मणिशंकर अय्यर के देश विरोधी बयान पर बीजेपी का हमला। मणिशंकर अय्यर को बीजेपी ने बताया गद्दार। कांग्रेस से कार्रवाई की मांग। कोल इंडिया के विनिवेश को कैबिनेट की मंजूरी। 10% हिस्सा बेचेगी सरकार। हिस्सा बिक्री से 21,500 करोड़ मिलने की उम्मीद। जीएसटी लागू होने से महंगा हो सकता है इंश्योरेंस। कंपनियों ने जताई आशंका। इंश्योरेंस की ग्रोथ पर भी दिख सकता है असर। सरकार के सामने रखी परेशानी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। पिछले महीने रूस के यात्री प्लेन को आईसिस के बम से उड़ाने की पुष्टि के बाद रूस ने सीरिया पर हमले तेज कर दिए। रूस अपने लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स के साथ समुद्र में तैनात जहाजों से भी बमबारी कर रहा है। सीरिया और इराक में जारी संघर्ष के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा है कि वो सीरिया में बमबारी के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेंगे। हालांकि इसकी पूरी संभावना है कि विपक्ष इसका विरोध करेगा।
दक्षिण अमेरिका इन दिनों भयंकर तूफान की चपेट में है। तूफान की वजह से डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। पेरिस हमले के बाद यूरोप में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। फ्रांस और बेल्जियम से लोगों की गिरफ्तारी के बाद जर्मनी के आचेन शहर से भी 2 महिलाओं और 1 आदमी को गिरफ्तार किया गया। पेरिस अटैक के मास्टरमाइंड ने की खुदकुशी, पत्नी ने किया फिदायीन धमाका, 2 लोगों की मौत, पुलिस रेड में 5 संदिग्ध गिरफ्तार। नॉर्दर्न एक्सप्रेस में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।